Hi students, how are you? Hope you all are doing fine or good. आज हम क्या पढ़ेंगे? बायोमैकेनिक्स. ठीक है, बायोमैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग पोजीशन. ठीक है, हम स्टार्टिंग पोजीशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग. फाइव फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशंस होते हैं. कौन कौन से? स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग और हैंगिंग. इसमें से हम लोग स्टैंडिंग पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नीलिंग. नीलिंग क्या होता है? जब हम जमीन पे बैठते हैं और घुटनों के बल बैठते हैं, उसे नीलिंग कहते हैं. स्टार्टिंग पोजीशन क्या होते हैं? जब कोई भी पोजीशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इससे हम आगे पढ़ेंगे डिराइव पोजीशन. जब स्टार्टिंग की अगर बेसिक ये यूनिट है, अगर कोई स्टैंडिंग में है, अगर स्टैंडिंग में हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या और क्या क्या पोजीशन डिराइव कर सकते हैं, सेम अब हम क्या पढ़ेंगे? नीलिंग में पढ़ेंगे हम कौन कौन सी पोजीशन कर सकते हैं, क्या क्या करना है हमें, नीलिंग कैसे होगा, कौन सा मसल वर्क करेगा. तो हमने स्टैंडिंग में हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ा था मसल वर्क और फिर इफेक्ट्स एंड यूजेस. सेम नीलिंग में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो नीलिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या क्या होता है नीलिंग. नीलिंग में क्या होता है? हम डायग्राम बनाते हैं. यह है नीलिंग पोजीशन, ये है फुट, नी, हिप, नेक और हेड. ठीक है, समझ में आ गई नीलिंग पोजीशन क्या होता है? तो ये हो गया. इसमें कहाँ पे है, सब क्या सपोर्टेड है? ये हमारा नी सपोर्टेड रहेगा. दो तरीके से कर सकते हैं इसे हम, या तो जब नीलिंग कर रहे हैं अगर किसी प्लिंथ पे बिठाएंगे तो फुट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, लेकिन अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो हमारा फुट कैसे रहेगा? प्लांटर फ्लेक्स्ड. ठीक है, फुट कैसे रहेगा? अगर अगर ऑन फ्लोर पे कैसे रहेगा? फुट इज प्लांटर फिक्स्ड. क्या है ये? स्टैंडिंग पोजीशन से ज्यादा स्टेबल पोजीशन है. क्या है? स्टेबल. स्टैंडिंग पोजीशन से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन कभी कभी कुछ पर्सन्स को ऐसे बैठने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है. इंट्रोडक्शन. जब हम यहां पे नी का बात करेंगे तो जब बैठेंगे तो
जो नीज है दोनों थाई, जो दोनों थाइस हैं वो आपस में चिपके हुए भी रह सकते हैं और थोड़ा सा गैप भी रह सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा किसको किस में कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, नी का हो गया, फुट का हो गया, और जो बाकी का ऊपर का पोजिशन है ये हम अगर कंपेयर करें तो सेम स्टैंडिंग पोजिशन की तरह ही है। स्टैंडिंग पोजिशन की तरह क्या है, लंबर में लॉर्डोसिस होगा, सर्वाइकल एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, सर्वाइकल में भी हाइपर एक्सटेंशन होगा, एब्डोमिनल मसल वर्क करेगा हाइपर एक्सटेंशन रोकने के लिए। ठीक है, तो सेम इसका आगे का इंट्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजिशन की तरह। तो हो तुम लोग पढ़ लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मसल वर्क पे। सेम एज स्टैंडिंग इसलिए लिखा है ना कि तुम लोग आगे एग्जाम में सेम एज स्टैंडिंग मत लिख देना। एग्जाम में तुम लोग को जैसे पढ़ाया है कि नेक पे कौन कौन सा पोजीशन होगा, लंबर पे कौन सा होगा, थॉरेक्स पे क्या होगा, नीज के ऊपर जो है पूरा कौन कौन सा क्या क्या पोजीशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हमारा नीज के नीचे मतलब लोअर लेग पूरी तरीके से यहाँ तक रिलैक्स है, पूरा रिलैक्स है, जो इस पर मसल वर्क हो रहा है लेकिन क्या है कि हमारा बॉडी वेट नहीं आ रहा है, बॉडी वेट बस नीज तक ही आ रहा है तो मसल वर्क नहीं हो रहा है।